नमस्कार, मैं मनु सिंह। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट मिस्टर सेश कुमार साहब। क्या होती है आईपीसी? बहुत सारे नागरिक बस का क्वेश्चन। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सो सर का टाइम आज हमें मिल गया है। आज हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं और उसमें जानते हैं कि व्यूअर्स के कुछ क्वेश्चन आए हैं। दो क्वेश्चन जो रिलेटेड हैं वो हम सर से पूछते हैं। एक क्वेश्चन है जो दिनेश कुमार ने पूछा है, ये पूछ रहे हैं कि मुस्लिम में भी क्या कोई नाबालिग का रोल होता है। और दूसरा क्वेश्चन जो है ये विक्की का है कि अगर नाबालिग कोई क्राइम करता है और फिर बाद में वो मैच्योर हो जाता है तो क्या उसके ऊपर कोई कानून लागू होता है, मतलब उसको सजा हो सकती है कि नहीं हो सकती है? तो सर इस पे आप थोड़ी जो मुस्लिम ला है जो इन्होंने दिनेश जी ने पूछा है। जी जी जी, क्या इनके पूछने का मोटिव यह है कि क्या मुस्लिम के लिए भी बालिग नाबालिग का कोई कानून है? जी जी एग्जैक्टली। तो मैं इनको बता दूं कि मुस्लिम मैरिज एक्ट पूरी तरह से बालिग होने पर ही वैलिड है। ओके। वैसे शरिया में पुरुष के लिए 15 वर्ष, स्त्री के लिए 9 वर्ष पर भी मैरिज हो सकती है। जी। क्योंकि इनके यहाँ मैरिज में किताबत होती है, लिखा पढ़ी होती है। जी। ठीक है, बाकायदा वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। जी। जहाँ माँ बाप मैरिज करते हैं जी, तो उनके हस्ताक्षर होते हैं गवाहान के समक्ष, तब वो मैरिज होती है। नाबालिग के तरफ से माता पिता जो उसमें जो उनके संरक्षक होते हैं वो कर तो सकते हैं जी, लेकिन वो मैरिज शून्य होती है। अच्छा, मुस्लिम में नाबालिग के टाइम पे नाबालिग जब गर्ल माइनर होगी तो करते हैं। हाँ, अगर बालिग होने पर वो लड़के डिनाई कर सकते हैं जिनकी मैरिज हुई है। ओके। इसलिए वो मैरिज शून्य होती है। ओके। मुस्लिम में मैरिज तभी होती है जब वो बालिग हो जाए। ठीक है, जैसे वो स्पेशल मैरिज एक्ट में उसमें तो जैसे सारे लोग चाहे हिंदू मुसलमान हो कोई भी जाए मैरिज करेगा तो उसमें बालिग ही होना चाहिए। जी। और अब मुस्लिम मैरिज एक्ट के अनुसार क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट है और कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ बालिग लोग ही कर सकते हैं जी। तो दिनेश जी अब ये समझ में आ गया होगा कि कॉन्ट्रैक्ट वही आदमी कर सकता है जो उसके लिए मैच्योर हो, बालिग हो। जी। अगर वो माइनर कर नहीं माइनर करते हैं तो वो इमैच्योर हैं, वो माँ बाप करते हैं जी, और उनके बालिग होने पर वो शून्य ही हो जाता है, वो मैरिज शून्य होता है जी। करने को तो कर लेते हैं बालिग माँ बाप, और धीरे जो पथा हैं जो नासमझ हैं वो अनमैरिज वो नाबालिग की भी मैरिज कर देते हैं जी, लेकिन वहाँ गार्जियन लिखा पढ़ी करते हैं तो वो मैरिज शून्य होता है। वो जब चाहें वो बालिग होने पर उसको डिनाई भी कर सकते हैं, मुस्लिम डिनाई कर सकते हैं ओके। और सर ये सेम क्वेश्चन ही है जिसमें पूछा गया है, ये मतलब आप जैसे आंसर दे रहे थे तो इसमें अगर नाबालिग के कोई क्राइम कर देता है और वो बाद में क्या कहते हैं मैच्योर हो जाता है, बालिग हो जाता है, तो क्या उसमें कोई सजा का है? ऐसा है कि जो नाबालिग है जी उसकी उम्र पर 7 वर्ष से नीचे का है जी, और उसको पता नहीं कि वो अपराध कर रहा है, कि क्या मैंने इस पर वीडियो बनाया है जी कि नाबालिग को क्या छूट है जी, है जी, नहीं जी। तो अगर वो बालिग हो जाता है तो वो असली चीज़ है उसकी समझ पर निर्भर करता है। जब वो नाबालिग था अगर उसने अपराध किया जी तो वो बालिग हो जाने पर उसके विरुद्ध कोई केस मेड आउट नहीं होता। ओके। अगर सर जैसे 15 से ये 18 तक के बीच में है अगर उसको समझ है तो फिर जैसे जैसे एक बालिग आदमी के खिलाफ मुकदमा चलता है इनके खिलाफ भी चल सकता है। अगर वो जानबूझ के कोई अपराध कर देता है जी तो उसके लिए उसे अपराधी करार क्या दिया जा सकता है। ओके ओके, थैंक फॉर योर टाइम। थैंक यू। आपने देखा किस तरीके से सर ने दो क्वेश्चंस के आंसर दिए। तो अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसको आने वाले शेड्यूल्स में अपने सेशन में जरूर लेंगे और सर से जानने की कोशिश करेंगे कि उसका आंसर क्या होता है। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि किसी इनोसेंट को जिसके पास पैसे नहीं हैं उसको प्रॉब्लम ना हो, उसको सजा ना हो। ठीक है, हम अपनी डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए काम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।